या आपके पास साथ कैसे बैठे? नहीं नहीं आप अभी अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ आप। बिल्कुल हमारी वो जो फोटो खिंची हुई है मेरी कल्ला जी की और गुरु जी की, जी जी जी, उसमें पास बैठा के ही फोटो खिंचाई उन्होंने। हाँ, आप दोनों के पीछे बैठे हुए हैं गुरुदेव, और दोनों के कंधों पे हाथ रखा हुआ है, कंधों पे हाथ रखा हुआ है दोनों। कृपा थी। अब वो मतलब हालांकि कल्ला जी जो थे उनको भी क्या है कि वो अंधनाल तक तो ले गए थे, वो अंधनाल में जाने पर उनको जो है ना वो भय लगने लग गया, तो फिर वो उन्हें छोड़ दिया, योगी छोड़ दिया उन्होंने। और असली अंधनाल से निकलता है ना आदमी जब पता लगता है कि स्वर्णिम चीज हमारे सामने आ गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात है। तो ये है कि जैसे क्या है, तो गुरु जो होता है ना जी सर, उसको आदमी हमेशा याद करता है, माँ बाप को चाहे भूल जाए वो, लेकिन गुरु को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, हर समय उसके याद में रहते। गुरु गुरु है, गुरु ईश्वर है। सही बात है। आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये सेशन मतलब ये रिकॉर्ड करता हूँ, आप कोई संदेश देना चाहेंगे गुरु भाई बहनों को अमेरिका से? किनको? भाई बहनों को? जी, तो अमेरिका और जब जब गुरु की उसमें होता है आदमी, तो अमेरिका और भारत में कोई अंतर ही नहीं होता। जी सर, मतलब ये है कि गुरु तो हर हर जगह है, सर्वव्यापी है गुरु। जी, तो गुरु यहाँ भी वह है, वहां भी है, वह तो उतना ही है जितना वहां है, उतना ही गुरु यहाँ भी है। जी, तो इसलिए गुरु की तो मतलब कृपा जो है अगर आदमी पर है तो वो हर जगह एक सी रहती है, मतलब कहीं परिवर्तन होता ही नहीं। बिल्कुल सही सर। हम ये कहें कि वो यहाँ ध्यान होगा नहीं या यहाँ गुरु जी का वो होगा नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है। मतलब सब कुछ होता है, वहां जो होता है वो सब कुछ यहाँ भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। गुरु सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट। और ये जो मतलब ये ना चयन भी गुरु जी का पक्का चेला है ना। जी सर, तो ये साधना वगैरह पूरी करता है। अच्छा। हाँ, और मंदिर इसने बना रखा है, गुरु जी का ही मंदिर बना रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसकी साधना चलती रहती है। ये जहाँ काम करता है वहां गुरु जी भी विराजमान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। दिल में गुरुदेव रहते हैं तो सब जगह रहते हैं। बहुत आनंद आया सर। और कोई नई डेवलपमेंट हुई तो बताओ? बस इतना ही है सर। मैं तो आपकी आपसे बात हो गई तो यही बड़ी खुशी की बात है, आनंद आ गया। बिल्कुल, मेरी स्थिति जो है बहुत ही विकट थी उस समय। जी सर, और अगर मैं अमेरिका नहीं होता तो शायद मुश्किल होती जिंदगी। जी, उसका कारण मेरे को भेजा ही, हमारा प्रोग्राम कोई जल्दी का नहीं था, इतना हड़बड़ी का। लेकिन ऐसा हड़बड़ी का प्रोग्राम बना कि हम अमेरिका पहुंच गए। बिल्कुल। और चयन ने पूरा इलाज विलाज मेरा खूब कराया, खूब सेवा करता है ये यार, खूब सेवा करता है मेरी। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है कि उस समय अगर मतलब मेरे क्या है कि मेरे ब्लीडिंग हुआ, मतलब इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हुआ, इतना हुआ, पांच बार तो मेरा WC भर गई खून से पूरी। और दो दिन अगर लेट हो जावे, हॉस्पिटल नहीं जावे तो का कुछ हो जावे, ये समझ लो। बिल्कुल, गुरु जी की कृपा थी। और मतलब जो है ना फिर मुझे इसने भर्ती वर्ती कराया। मैंने कहा यार यहाँ की तो अस्पतालों के खर्चे ही बहुत तगड़े हैं, लेकिन करा दिया, सब हो गया। मतलब ये है कि नहीं है, अगर एक दिन लेट हो जाए ना तो फिर वहां ब्लीडिंग हो तो कौन संभाले उस समय। सही बात। तो इसलिए सब कुछ ठीक हो गया, मतलब यहाँ आ गए हम अब,
और कई कंफ्यूजन्स जो हैं समाप्त हो गए, जैसे बीपी का नीचे आ नहीं रहा था तो वो भी नीचे आ गया, डायबिटीज की गोलियां गलत चल रही थी वो भी इन्होंने बंद करके नई गोलियां लिखी, तो यहाँ पे मतलब जो लिखी थी गोली तो उसकी कीमत 2000 रुपए थी एक गोली की कीमत। जी सर, वो कई दिनों तो ली फिर इंडिया से मंगाई, कोई आ रहा था तो फॉर्चुनेटली वो ले आया। जी सर, कहने का मतलब ये है कि आम आदमी तो इसको संभाल ही नहीं सकता, इतना खर्चा होता है यहाँ पे, बिल्कुल आम आदमी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से सब ठीक हो जाता है मतलब काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होता है। और गुरुदेव ने एक जगह कहा भी है ये बात कि वो कुंडलिनी जाग जाएगी तो वो ही आपको बता देगी कौन सा डॉक्टर सही है और कहाँ जाना चाहिए, तो वो ही व्यवस्था करती है आपके लिए। कुंडलिनी चूंकि गुरु के आदेश पे चलती है तो आप अमेरिका भी टाइमली भिजवा दिया, ट्रीटमेंट भी करवा दिया, बीपी भी नॉर्मल हो गया, डायबिटीज भी नॉर्मल हो गया, तो बिल्कुल बिल्कुल ये गुरु कृपा है। अरे ट्रीटमेंट हो गए जी, मतलब यूं करो अब ठीक है, कभी आप छोड़ दो गैर जिम्मेवारी करो, वो बात आप पर है, गुरु ने तो सारा काम ठीक ही किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बहुत। और आज आपसे बात भी हो गई तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी आपको मिस कर रहा था किसी वजह से। नहीं वो क्या होता है, कोशिश कई बार करते हैं जी सर, कई बार पॉसिबिलिटी बन पाती है, कई बार नहीं बन पाती है। इच्छा तो हमेशा रहती है आदमी की, आपसे बात करने की मेरी इच्छा तो हमेशा रहती है जी कि आपसे बात करूं। और आजकल कौन और कौन संपर्क में रहते हैं आपके? और ज्यादा तो लोग संपर्क में नहीं है, लेकिन जितने गुरु भाई बहन ध्यान कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली है ही है।